हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल ब्यूटीफुल विद इन पे। फ्रेंड्स, एलोवेरा प्लांट जो होता है वो नेचर्स गिफ्ट टू मैनकाइंड है। सो एलोवेरा प्लांट का जो नेचुरल जेल हमको मिलता है वो हमारे स्किन केयर के लिए और हमारे हेयर केयर के लिए बहुत ही अमेजिंग है। सो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मेरे स्किन केयर और हेयर केयर के लिए। सो मैंने अपनी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस किए हैं रिलेटेड टू एलोवेरा जेल, बहुत सारे DIYs किए हैं विथ रिलेटेड टू एलोवेरा जेल। सो फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी DIY बनाते हैं या फिर नेचुरली एलोवेरा प्लांट में से जेल निकाल के यूज करते हैं हमारे स्किन पे या फिर हमारे हेयर पे, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है एंड एवरीबडी नोज दैट, राइट। सो अगर हम नेचुरली यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर हम कोई DIY बनाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर नेचुरल वाला यूज करते हैं उसमें तो 10 या 5 दिन में इसको यूज कर लेना होता है, रेफ्रिजरेटर में भी रखना होता है। सो अगर हमें ऐसा कोई एलोवेरा जेल मिले जो 99% प्योर हो और नेचुरल हो, तो उससे बेटर क्या होगा, है कि नहीं। सो मुझे मिला बॉडी क्यूपिड का एलोवेरा जेल विच आई केम अक्रॉस, जिसमें है 99% प्योर एलोवेरा जेल। सो मैं आज इसके बारे में बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स, लेकिन लेट मी टेल यू फर्स्ट कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मुझे ये भी कहना है कि मेरी पूरी DIY की प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे, जिसमें मैंने DIY हेयर सेरम बनाया है, DIY फेस सेरम बनाया है एंड बहुत सारा टोनर वगैरह बहुत सारी चीजें बनाई है। सो अगर वो DIYs देखने हैं जिसमें मैंने बहुत बारी एलोवेरा जेल यूज किया हुआ है मोस्ट ऑफ माई DIYs में, ना कहूंगी कि सभी में नहीं, बट मोस्ट ऑफ माई DIYs में एलोवेरा जेल तो इंग्रेडिएंट होता ही है जब स्किन की बात करें या हेयर की बात करें, तो फ्रेंड्स वो वाले वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बनाई रखी हुई है, तो आप वो देख लेना। और एलोवेरा जेल के रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी चेक कर लेना, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि आप कोई भी DIY बनाते हो या फिर आप कहां पे भी एलोवेरा जेल को यूज करते हो, तो 99% प्योर वाला यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट और भी बेहतर आएगा, है कि नहीं। सो यस फ्रेंड्स, ये मुझे मिला है बॉडी क्यूपिड का एलोवेरा जेल 99% प्योर जेल। सो इसमें प्योर जेल है 99% एलोवेरा जेल विच हैज मल्टीपल ब्यूटी बेनिफिट्स, जैसे मैंने आपको कहा। नाउ दिस वन वर्क्स फॉर ऑल द स्किन टाइप्स एंड फॉर ऑल द हेयर टाइप्स। सो हेयर अगर आपके ऑयली है, ड्राई हेयर है, कुछ भी हो, एलोवेरा जेल इज अमेजिंग इंग्रेडिएंट। साथ ही में दूसरी बात, स्किन के लिए ये बहुत ही अमेजिंग है, मैं आगे बताऊंगी आपको। और मैंने 13 यूजेस किए हैं एलोवेरा जेल के ऑन माय चैनल, तो वो भी आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आई बटन में भी है। सो एलोवेरा जेल हम जहां पे भी यूज करते हैं एज अ प्राइमर बोल दो या फिर बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, तो जहां पे भी आप यूज करते हो तो 99% प्योर लेना चाहिए, राइट। एंड आई ऑलवेज सी टू इट कि जो भी मैं ज्यादा यूज करती हूँ वो ज्यादा ही नेचुरल हो, तो वो ज्यादा बेहतर हो। तो इंग्रेडिएंट एलोवेरा जेल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, लाइक एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ प्राइमर, सब कुछ। सो जस्ट फ्रॉम द ट्यूब में इसे यूज कर लूं और बहुत ही ज्यादा नेचुरल हो, तो मेरे सारे जो DIYs है ना वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे बने, इसलिए मैंने इसे लिया। नाउ दिस वन इज अ 200 ml ऑफ अ ट्यूब, ये फुल साइज प्रोडक्ट है और इसकी MRP है ₹399, जस्ट बिकॉज इट्स अ प्योर एलोवेरा जेल। सो अगर आपको स्टोरेज करने की प्रॉब्लम ना हो और आप नेचुरल यूज कर सकते हो तो वो आप यूज करें, बट मैं नेचुरल नहीं प्रिफर करती हूँ, बिकॉज थोड़े टाइम के बाद उसमें से बांस आने लग जाती है, इट स्टिंग्स, यू नो, सो दैट्स वाई आई डू नॉट यूज द नेचुरल वन। अगर आप डायरेक्टली नेचुरल लगा के अपने बालों में लगा लेते हो, स्किन पे लगाते हो, तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू, बट इफ यू डू नॉट हैव एलोवेरा प्लांट एंड यू वॉन्ट टू यूज, एंड मेरी तरह हो बहुत सारे DIYs बनाते हो, तो ये आप डेफिनेटली ले सकते हो। सो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि इट हैज मल्टीपल ब्यूटी बेनिफिट्स एज आई टोल्ड यू, एंड ऑल्सो दिस बॉडी क्यूपिड जो एलोवेरा जेल है, इट मेक्स इट सो सिंपल टू यूज दिस नेचर्स ब्लेसिंग, बिकॉज आप जस्ट ट्यूब में से इसे निकाल सकते हो एंड यू कैन यूज इट। सो इसमें आपको और भी कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, अगर आप नेचुरल एलोवेरा जेल यूज करते हो और आप इसमें कोई भी कुछ भी नहीं डालना है, तो आप वैसे इसे डायरेक्टली फ्रॉम द ट्यूब यूज कर सकते हो। सो इट्स इन दिस, आपको दिख रहा है, सो इट्स लाइक कंप्लीटली एलोवेरा जेल, यू नो, 99% प्योर, आप ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल ही। और मैंने अपनी वीडियोस में बहुत सारे एलोवेरा जेल्स आपको बताए हैं। सो सस्ते में सस्ता जो मैंने लिया था वो है पतंजलि का एलोवेरा जेल, जिसमें बहुत ही कम नेचुरल एलोवेरा जेल था फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स थे, लेकिन आपको मिल जाता है 60-70 rupees के आसपास एलोवेरा जेल पतंजलि का, एंड बहुत सारे DIYs में मैंने उसे भी यूज किया हुआ है, नॉट लेट मी टेल यू। सो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको मॉइस्चराइज करी अपने स्किन को इससे। सो आपने देखा कि डायरेक्टली आप ले सकते हो ट्यूब में से एंड यू कैन मॉइस्चराइज, सो एज अ बॉडी लोशन आप यूज कर लो इन विंटर्स। सो बहुत सारी चीजें हैं एंड लेट मी टेल यू, फटाफट मैं बताती हूँ यहाँ पे, बट मैंने बहुत सारे एलोवेरा जेल्स यूज किए हैं पहले भी, इससे पहले भी, बट ये इतना प्योर मैंने ये पहली बार परचेज किया है।
थोड़े थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चेंज हुए हैं हर एक एलोवेरा जेल में, बट दिस वन इज 99% प्योर। ना इसको आप यूज कर ले, अगर आप फेस सेरम बनाते हो तो इसमें आप बहुत कुछ डाल सकते हो। जैसे मैंने बनाया है फेस सेरम, आप देख सकते हो डीआईवाई में, प्लेलिस्ट की लिंक मैं डाल दूंगी नीचे, सो आप देख सकते हो। फेस सेरम में अगर आपको एसेंशियल ऑयल मिक्स कर देते हो इसके साथ, तो ये 99% प्योर है। इसमें आप कुछ भी और भी डाल सकते हो आपके स्किन के अकॉर्डिंग। सो आपको अगर पिंपल्स हैं तो आप टी ट्री ऑयल डाल दीजिए, सो वैसे आप कर सकते हो इसके साथ। नाउ फ्रेंड्स, इसके साथ मैं बहुत सारे डीआईवाईज लेकर आने वाली हूँ मेरी चैनल। सो फ्रेंड्स, ये बॉडी क्यूपिड के जो एलोवेरा जेल है, दैट इज 99% प्योर एंड नेचुरल एंड इज रिच विथ 75 हीलिंग कंपाउंड्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड एंड मेनी मोर, एंड इट गिव्स द स्किन एम्पल ऑफ हाइड्रेशन। सो एलोवेरा जेल इज यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर हाइड्रेशन। अगर आपको अच्छा हाइड्रेशन चाहिए तो एलोवेरा जेल होता ही है। बॉडी लोशंस ले लो, सोप्स ले लो, फेस वॉश ले लो, सो एलोवेरा जेल रहता ही है इंग्रेडिएंट इन सब चीजों में। बिकॉज ये क्या करता है, रिवर्सेज द साइंस ऑफ एजिंग एंड इन्फेक्शन को दूर करता है। वेन इट इज अप्लाइड ऑन द स्कैल्प या हमारे बालों में, हम जब इसे लगाते हैं एज अ हेयर सेरम या फिर स्कैल्प में हम अप्लाई करते हैं, तो क्या करता है, हमारे बालों में से जो ड्राइनेस होती है स्कैल्प पे, अगर आपको ड्राइनेस है, डैंड्रफ है, तो वो भी इसे फाइट करता है, फंगल इन्फेक्शंस को फाइट करता है, एंड इट बूस्ट योर शाइन एंड सॉफ्टनेस एंड इट क्लियर्स अप द इचिंग इफ यू हैव इन द स्कैल्प। सो स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। एंड ऑल्सो यहाँ पे थोड़े सजेशंस लिखे हैं, जैसे अगर आप इसे डायरेक्टली, जैसे मैंने अभी इसे अप्लाई किया, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, आप देख लिए, बिल्कुल ही जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में। सो सन बर्न्स हैं या सन मार्क्स हैं या फिर सन टैन है, इसे भी सूद करता है। देन यू नो आप इसे आईब्रोज पे लगा सकते हो टू गिव अ नाइस इफेक्ट, या फिर आप इसे आई लैशेज पे लगा सकते हो। यू नो अगर आपको मस्कारा नहीं लगाना है तो जस्ट पुली में थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लो और इस तरह से कर लो, तो मस्कारा भी बन जाएगा यू नो ट्रांसपेरेंट। सो बहुत सारे आइडियाज हैं यूजिंग टीआईवाईज एंड यूजिंग एलोवेरा जेल इन टू इट। एंड ड्राई स्किन पे आप अगर इसे लगाते हो, नीज पे या फिर आपके एल्बोज पे, तो वो भी आपको काफी स्मूथ कर देगा उस एरियाज को। एंड यहाँ पे मॉइस्चराइजर की तरह एनी वेयर इन द होल बॉडी, फेस बॉडी किसी पे भी आप लगा लो। यूज एज अ शेविंग जेल फॉर मैन आउट देयर एंड या मसाज जेल की तरह, जब आप फेशियल करते हो तो मसाज जेल की तरह भी इसे यूज कर सकते हो। एंड रात को इसे स्कैल्प पे लगा लो एज एन ओवरनाइट हेयर कंडीशनिंग पैक, तो वो भी आप कर सकते हो। सो ये कुछ टिप्स लिखे हुए हैं इसके पीछे। सो यस फ्रेंड्स, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बॉडी क्यूपिड एलोवेरा जेल विच इज 99% प्योर। अगर आपको ये डेफिनेटली लेना है तो प्लीज नीचे दी है लिंक मैंने इसे परचेज करने की, आप उस पर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हो। डेफिनेटली ऑफर्स होते हैं, इसकी एमआरपी 399 है, बट आपको सस्ते में डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड यस फ्रेंड्स, अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन डाउन बिलो एंड रिकमेंड दिस टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो एलोवेरा जेल यूज करते हो, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद हो तो उनको बताइए कि 99% प्योर एलोवेरा जेल ले वो, तो ताकि उनको बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिले। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब कर दें, मेरी फैमिली को और भी बढ़ाएं, और एक लाइक जरूर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है और मैं अच्छे अच्छे और वीडियोस लेकर आऊं आपके लिए। एंड सब्सक्राइब करना एब्सोल्युटली फ्री है फ्रेंड्स, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलना। टिल देन आई सी माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। बी ब्यूटीफुल, बी गॉर्जियस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।